हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज फोरस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम कुछ गूगल से संबंधित टिप्स जानेंगे। आपको इंटरनेट यूज करते समय मतलब क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और आप किस तरीके से उसको यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आप गूगल पे क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, जैसे किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को कैसे रन किया जाए, या फिर किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस कैसे जाना जाए, या फिर कोई भी नंबर है उसको इंग्लिश में कैसे रीड किया जाता है, या कोई भी मूवी को सीधा डायरेक्ट लिंक से कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, और किसी भी कोई विंडो है जो पुरानी उसका सेटअप हमें नहीं मिल सकता, हम उसको मतलब कि चला के उसको एक्सपीरियंस उसका एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं, वो ले सकते हैं उसको। तो ये सब देखने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वॉइस। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत सी वेबसाइट होती है जो कि ब्लॉक होती है, हम उसे रन नहीं कर पाते हैं। तो उसको रन करने के लिए दोस्तों एक वेबसाइट है, दोस्तों किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम प्रॉक्सी का यूज करते हैं। तो प्रॉक्सी यूज करने के लिए हम साइट का भी यूज कर सकते हैं और कोई सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम एक सॉफ्ट वेबसाइट के थ्रू किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को रन करेंगे, जैसे हाइड str hideshooter, इसको ओपन करते हैं। तो ये hideshooter.com है, इसको ओपन करेंगे, ओपन करने भी खुल जाएगा ऐसा। अगर ये ना खुलता हो, होम पेज खुलता है ऐसे, तो हमें टूल्स में जाना है। टूल्स में वेब प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर हम कोई भी सर्वर यूज कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट का, यूरोप का, कुछ भी। और यहाँ पर हम जो भी लिंक है जो चल रहा है, जैसे facebook.com करके हम इसको रन कर देंगे। इसको करने से भी हम किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को हम रन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला जो हैक था वो था। अब दूसरा, जैसे हमें किसी भी वेबसाइट की आईपी एड्रेस जाननी हो तो उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा, cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। और कुछ नहीं दोस्तों, वहाँ पर लिखना है ping और उस वेबसाइट का नाम लिखना है, जैसे facebook.com और एंटर करना है। तो इसकी जो आईपी एड्रेस होगी वो हमें शो हो जाएगी। ये देखिए, इसकी 32 बिट की जो आईपी है वो शो हो रही है, 2A03 2880 वगैरह जो भी है, ये आईपी जो इसकी वो इस फॉर्म में हमें शो होगी। तो दोस्तों अब हम चाहते हैं कि एक बड़ी डिजिट है उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए हम गूगल पे जाना है, 1234567890 1, ये नॉर्मल एंटर करेंगे तो कुछ भी शो कर देगा। मगर हम चाहते हैं कि इसे हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इक्वल इंग्लिश लिखना है और एंटर करना है। तो ये शो कर देगा 12,345,678,901। तो ऐसे ही हम नॉर्मली 12 या 13 डिजिट जो भी होती है उस तक हम सर्च कर पाएंगे, उसके बाद में इसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा तीसरा हैक था दोस्तों। अब हम चाहते हैं कि
गूगल से हम मूवी डाउनलोड कर जाते हैं, तो मूवी डाउनलोड के लिए काफ़ी सारे लिंक आते हैं और मूवी डाउनलोड हो नहीं पाती है। तो डायरेक्ट मूवी डाउनलोड करने के लिए दोस्तों हमें गूगल पे जाना है और मूवी का नाम टाइप करना है, जैसे सुपर मैन। सुपरमैन मूवी, और फिर हमें टाइप करना है दोस्तों गूगल ड्राइव, और इतना टाइप करने के बाद में दोस्तों एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं गूगल ड्राइव के इतने सारे लिंक आ गए हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं, नई पुरानी जो भी हो, जो गूगल ड्राइव पे उपलब्ध होगी वही मूवी। तो ये डायरेक्ट लिंक होगा, यहाँ से आप कोई भी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे सुपरमैन की जगह हम आयरन मैन कर देते हैं, IRON मैन, और एंटर कर देते हैं, तो ये आयरन मैन की मूवी के डाउनलोड के लिंक आ जाएंगे, तो हम इससे मूवी सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि दोस्तों हम चाहते हैं कि जैसे YouTube है, Facebook है, इनसे संबंधित मतलब इन्हीं की तरह की कोई दूसरी वेबसाइट और भी हो जिसे हम यूज करना चाहते हैं, तो उसको सर्च कैसे करें कि कौन कौन सी वेबसाइट होती है, क्या होती है। तो आपको टाइप करना है रिलेटेड एक कॉलन, फिर बाद में जो भी वेबसाइट आप चाहते हो कि उसी तरह आपको सर्च हो, जैसे YouTube है, YouTube का विकल्प YouTube लिख दो आप और एंटर कर दो, तो YouTube के जैसे आपको जो भी वेबसाइट होगी उनके लिंक आ जाएंगे। Facebook है तो आप Facebook लिख दो, तो Facebook के जैसे जो भी वेबसाइट होगी उन सबके लिंक आ जाएंगे। और सबसे लास्ट में दोस्तों, सबसे लास्ट में सबसे बढ़िया जो मेरे को लगा है अभी तक का, वो है एक्सपीरियंस। हम ऐसे विंडो पे काम करना चाहते हैं जो कभी हमने कभी देखी नहीं, जैसे विंडो 93, आपने नाम तो सुना होगा मगर इसका सेटअप आपके पास नहीं होगा, आपके पास क्या लगभग किसी के पास भी नहीं होगा, कुछ रेयर जो है प्रोग्रामर वगैरह जो है वो पुराने वगैरह उनके पास कोई गलती से मिल जाए तो अलग बात है, वो भी उसे यूज नहीं करते हैं, तो उसके बावजूद हम उसको रन करके उसको एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि पहले कैसे चलती थी, कुछ भी होता था तो कैसे काम किया जाता था, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें टाइप करना है एक्सपीरियंस और जो थी विंडो 93 एंटर कर देंगे। फिर इसको करने से सबसे पहले जो लिंक आएगा www.window93.net, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने से देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसे चल रहा है, और ये हमें जो पहले वो विंडो चलती थी उसका ये एक्सपीरियंस दे देगा, ये स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करने पे ऐसे खुलता था, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन, प्रोग्राम में भी जाओगे तो अलग अलग जो भी था उस हिसाब से, डॉक्यूमेंट में जाओगे तो अलग हिसाब से, फाइल्स प्राइवेट, ये काफ़ी ऐसे बढ़ता रहता था, ये काफ़ी मज़ेदार भी हुआ करता था दोस्तों। तो इसको हम जैसे भी रन करना चाहे, कुछ ऊपर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं, और वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या या कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे, और आप वीडियो को देख के कुछ नया ज्ञान सीख पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।